फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? और अभी यहाँ पे मेरे घर में सुबह सुबह हम लोग 4 बजे से उठे हैं, चाय वगैरह पिए। उसके बाद में फिर अभी यहाँ पे आलू बॉयल हो रहे हैं, 4 बजे से आलू रखी हुई और अंदर बन रहा है खाना। तो अभी सुबह सुबह जो मंदिर में खाना जाएगा वो वहाँ पे फ्रेश नहा धो के बन रहा है, और दावत के लिए यहाँ से स्टार्ट हो गया खाना बनाना। अमित भैया दे दी जंगला आप रखी सोट है। तो दावत आप कहीं पे भी खा लो, कहीं पे भी कुछ भी कर लो, पर जो गांव की दावत होती है ना वो सबसे बेस्ट होती है और बहुत अच्छा लगता है, बहुत एंजॉय करते हैं हम सब लोग मिलके। क्या कर रहे हैं? आलू वालू छील लो जाके थोड़ा। गरम मसाला पिस रहा है, लाइट चली गई। सब लोग पहुंचिए, सब लोग आए उन्हें। अभी हम लोग जल्दी जल्दी तैयार हो जाएंगे सब लोग, क्योंकि नहा तो हम लोगों ने सुबह ही लिया था प्रसाद बनाने से पहले ही। अब जल्दी से तैयार हो जाएंगे क्योंकि ट्रैक्टर खड़ा है बाहर। तो चलो अब थोड़े लोग सोनो, चलो चलो रख लो और में रख लो। सॉरी, टेंशन। सारी लड़कियां तो तैयार हुई बढ़िया से, बस अभी निकलना रहे। नहीं, लाइफ सही। हेलो, ये मेरी सबसे बड़ी बेटी है और सारी बच्चे बहुत से तैयार हो गई है। अभी बस अभी निकलना है, बस ट्रैक्टर आ रहा है, उसमें बैठ के जाएंगे। नहीं, मजा है। हम लोग गाड़ी में तो हमेशा ही बैठते हैं ना, बट ये मौका कभी कभी आता है, है ना? सही कहा ना? चल फोटो ले लेते एक बार। अरे रखा है ये, कहीं लो, थोड़े आगे आ जाओ, अपना ही घर है, अपना ही घर है। अरे लो, आगे आ जाओ। अरे थोड़ा आगे, लोग पूजा करना है अभी मंदिर में। सब लोग इकट्ठे हो गए, वो तो पहले ही पहुंच गए। ये देखो तितलियां उड़ रही हैं सारी। चलो बैठते हैं ट्रैक्टर पे जाके मजे लेते। तो हम सब यहाँ पे ट्रैक्टर पे जा रहे हैं और कुछ लोग गाड़ी से निकल गए, कुछ लोग बाइक से निकल गए। बुआ जी का आगमन हो गया है। तो मुझे भी पता आप आ गए हो कैमरे में। रानी मामी आ रही है, मौसी आ रहे, मौसी आ रही है और बच्चे आ रहे हैं। घर पे मामा रुके, मामा नहीं आ रहे। नहीं नहीं नहीं, वहीं पे, क्योंकि एक लोग के साथ आ रही है। मामी आ रही मौसा के साथ, और मौसा मौसी और मामी थी। माहौल है, माहौल ये दिखाएगी। Thank you.
पूजा चल रही है और मैं नहीं करूँगी क्योंकि मामा मामी करते हैं, तो मेरे भाई हैं वो बैठे हुए हैं, भाभी बैठी हुई है, मम्मी मेरी सास भी आ गई, सारे लोग बाकी सभी लोग आए हैं, ढोलक वगैरह बज रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। Enjoying the तो फाइनली पूजा स्टार्ट हो गई बहुत भाग दौड़ के साथ में। और कहते हैं ना, मैं बहुत दिनों से सोच रही थी पूजा करूँगी करूँगी करूँगी, लेकिन कहते हैं ना जब माता का मन होता है तभी कोई भी शुभ काम होता है। और सभी लोग आ गए, सभी ज़्यादातर लोग मंदिर में ही एकत्रित हो गए, मेरी सारी बहनें मंदिर में ही आ गईं और मेरे ससुराल वाले सभी लोग इधर आ गए। और ये जो मंदिर है ना काफ़ी पुराना मंदिर है, घर की जो बेटी होती है ना वो अपने एक बेटे की यहाँ पे पूजा उसको करना ही होता है और वो पूजा शादी से पहले हो जाती है, क्योंकि जो लड़का होता है ना आप उसको एक साल से लेकर और उसकी शादी के बीच के अंतर में आप कभी भी उस पूजा को कर सकते हैं। और मैंने भी सोचा चलो अभी कर देते हैं पूजा, अभी टाइम है, तो मेरी बहन भी है उसने भी अपने बेटे की साथ में ही पूजा की है। और ये जो भाभियाँ हैं यहाँ पे सारा काम भाभियों का ही होता है, तो अभी मेरे दो भाई बैठे हुए हैं, भाभियाँ बैठी हुई हैं और मम्मी वगैरह सब लोग बस। और यहाँ पे कैसा होता है कि एक बकरे की बलि होती है, थंबनेल में आपने देखा होगा कि बकरा लगा है, तो सच में पहले के टाइम पे कैसा होता है लोग रियल में बकरा की पूजा यहाँ पे करते थे और रियल में ही बलि देते थे, लेकिन आजकल कैसा हो गया, आजकल सब कुछ बदल गया है और लोग कुछ घरों में खाते भी नहीं है, हमारे घर में भी नहीं ऐसे, मतलब कोई भी नहीं खाता है कुछ भी, बट अभी कैसे हो गया फिर यहाँ पे ये जो हमारे साइड में बूरा चलता है ना, पिसा हुआ बूरा चलता है चीनी वाला, तो उसी में उसी को गमछे के ऊपर रखे और उसी को बकरे का आकार देते हैं और उसी को वहीं पे बलि देके और वो जो उसका सर होता है वो हवन कुंड में माता को आहुति दे देते हैं। और जो पीछे खड़ा होता है वो मामा वगैरह मामी वगैरह वही लोग खाते हैं, हम लोग को उसको प्रसाद में देते हैं। Thank you.
और सब तो ठीक है, पर यहाँ पे कुत्तों ने बहुत परेशान कर लिया था। ओम फो, कितना देर हो, कितना देर हो? यहाँ पे जब खाना बाहर खाना चल रहा है ना, मेरी मम्मी तो डंडा लेके कुत्तों को ही मार जा रही है। कुत्ते परेशान कर रहे हैं सबको। और अंदर पूजा हो गई, अभी बाहर जो प्रसाद वगैरह लाए थे ना, अभी सब्जी पूड़ी वगैरह सब यहाँ पे सारे लोग खाएंगे, क्योंकि सुबह से सब लोग भूखे हैं। और अभी यहाँ पे पता है 2:30 बज गया, 2:30 बजे से अभी वहाँ पे तो खाना बन रहा है घर पे। पापा हैं और हलवाई वगैरह चल रहे हैं, तो वो खाना वगैरह बना रहे हैं। और हम लोग यहाँ जाएँगे अब 3 बजे से, दावत भी स्टार्ट है 3:30 बजे से, तो बाहर के लोग भी आने लगेंगे। और जल्दी से हम लोग यहाँ से फटाफट खा पी के निकल जाएँगे। अभी पूजा वगैरह अच्छे से संपन्न हो गई और अभी हम लोग निकलेंगे घर के लिए। 2:30 बज गए, अभी 3 बजे दावत स्टार्ट है। चलो भाभी चलो, और ले चलो ना सरगवाए दे कर लियो ऐसे। पूजा इधर हो गई, अभी हम लोग चल रहे हैं घर। हम जा रहे हैं सर, मुझे ये समझ नहीं आ रहा, इतने लोग गाड़ी से चले गए फिर भी इतने लगे। वो उन्होंने खा लिया ना तो डबल हो गए। जय माता दी, जय माता दी, ईशा दीदी रेडी कर देंगे। रेडी जाते समय भी काफ़ी लोग गाड़ियों से चले गए, और अभी कुछ लोग इस पे ट्रैक्टर पे गए, कुछ लोग बाइक से निकल गए। अभी ये लोग रह गए, ये लोग पीछे से आएंगे गाड़ी से। पूजा करके आते आते ही 3 बज गए थे, लोग गेस्ट लोग आने भी लगे थे। पर यहाँ पे सब कुछ व्यवस्था पहले से ही चालू थी, हलवाई वगैरह बेलने वाली, तो पूड़ी वगैरह सब बिल्कुल तैयार थी, सब बनने लगा था। और देखो गेस्ट तो
मेरी छोटी चाची थोड़ी दूर रहती है तो वो आते आते थोड़ा लेट हो गई थी, मंदिर तक नहीं पहुंची थी, लेकिन जब मैं घर आई तो वो मुझे घर पे ही मिली। और ये मेरा भाई है, भाभी है और ये बहन है, तो ये रह गई थी मंदिर में। और ये मेरी सबसे छोटी भाभी है। सारी पूजा खत्म होने के बाद में जो जहाँ था वो वहीं सो गया आराम से, इतने थक गए थे सभी लोग। तो फ्रेंड्स कैसी रही हमारी आज की पूजा, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए और मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।